हाई एवरी वन वेलकम बैक टू आर चैनल आई होप एवरी वन इज डूइंग ग्रेट सो एग्ज़ाम की खबर सबको मिल ही चुकी है एग्जाम आपका आ रहा है जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम की कब आपका नोटिफिकेशन आ जाए सो so, ऐसा वीडियो मैं आई पी सी को लेकर भी बना चुकी हूँ जहाँ पर मैं आपको बताती हूँ किसी भी सब्जेक्ट के कोर एरिया तो जो लोग इस चीज में बिगिनर्स हैं या जिन लोगों को नहीं पता है ठीक है तो मैं आपको बताती हूँ हर सब्जेक्ट में क्या होता है एक आपके कोर एरियाज़ होते हैं जहाँ से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और फिर आपके कुछ साइड में नॉट सो इम्पॉर्टेंट पेरीफ्रल एरियाज़ होते हैं तो आपको हमेशा कोर से पेरीफरी की तरफ बढ़ना है ठीक है तो फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है आप एक लिस्ट बना लीजिए कि हर एक सब्जेक्ट के कोर एरियाज़ कौन से हैं आप सबसे पहले उनको प्रिपेयर करिए तो इससे होगा क्या ऐसा नहीं है उसके बाद आप और चीज़ें प्रिपेयर नहीं करेंगे ठीक है लेकिन इसका पर्पस ये है कि आपने जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चीज़ आपने पहले प्रिपेयर कर ली तो सोचिए आपके दिमाग से कितना बड़ा बर्डन हट जाएगा अब मान लीजिए किसी वजह से कोई टाइम क्रंच हुआ सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाना या कुछ भी एकदम से कोई टाइम क्रंच हुआ तो आपको कभी भी ये टेंशन नहीं होगी कि आपकी कोई ऐसी चीज़ छूट गई है जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रॉबीबिलिटी बहुत ज़्यादा है ठीक है तो इस चीज़ का पर्पज़ ये होता है क्या अब देख लेते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कौन से ऐसे आपके कोर एरियाज हैं यू पी जे में सी के पंद्रह से बीस क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो डेफिनेशन सेक्शन है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है उसमें सारे टर्म्स दिए हुए हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आप देख लीजिए सारे टर्म्स बेलेबल नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पुलिस रिपोर्ट समन्स केस वारंट केस ये इन्वे सब आप अच्छे से देख लीजिएगा उसके बाद हायरार्की एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स आप सिक्स टू थर्टी फाइव पढ़ लीजिएगा अरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फोर्टी वन टू सिक्सटी पूरा पढ़ लीजिए उसके बाद वन फिफ्टी फोर टू वन सेवेंटी सिक्स आपको पढ़ना है इसके अंदर एफ आई आर एफ आई आर के सारे डायमेंशन अकरेंस रिपोर्ट डिफॉल्ट बेल केस डायरी इंक्वेस्ट रिपोर्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टम इन्वेस्टिगेशन आउटसाइड इंडिया ये सब आपका कवर हो जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद 192-199 टू आप पढ़िए उसके बाद लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस जो है 467 सिक्सटी सेवन टू फोर सेवेंटी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कंप्लेंट 200 टू 203 उसके बाद ये इशू ऑफ़ प्रोसेस वाला जो चीज़ है दो कमेंसमेंट ऑफ़ प्रोसीडिंग्स बिफोर मैजिस्ट्रेट 204 से 210 तक आपको करना है चार्ज 211 से 224 चार्ज के अंदर सारा चीज़ आ जाएगा कंटेंट मटेरियल डिफेक्ट ऑल्टरेशन एडिशन टे विथड्रॉल जॉइंडर सारी चीज़ें उसके बाद प्ली बारगेनिंग इंपॉर्टेंट है 265 ए टू एल इसका तो कई बार सीधे ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि किस चैप्टर में दिया हुआ है कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया एनफोर्समेंट ईयर कौन सा था कमिटी रिपोर्ट ये सब आप पढ़ लीजिएगा फिर ट्रायल्स आ जाते हैं एल्स में आपका कोर्ट ऑफ सेशंस ट्रायल वारंट ट्रायल समन्स ट्रायल समरी ट्रायल सारा कुछ इंपॉर्टेंट है उसके बाद 300 टू 327 तक जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं ना, वहाँ से सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको एक बार रीडिंग करिएगा जूरसडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से वन टू वन ट्रांसफर ऑफ केसेस 406 से 412 ट्वेल्व इम्पॉर्टेंट उसके बाद बेल प्रोविजंस पढ़ लीजिएगा 436 थर्टी सिक्स टू फोर थर्टी एट रेफरेंस एंड रिविजन थ्री नाइनटी टू फोर अपील्स थ्री टू टू थ्री प्रोसीडिंग्स फोर टू फोर मेंटेनेंस 125 मेन्टेनस वन टू वन एंड इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट सेक्शन 482। आप इतना कर लीजिए आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक कर दें आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें हम ऐसे गाइडेंस रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग